और इस दिशा में भी टीम भेज के सत्यापन कराया जा रहा है। ये कीटनाशक किस तरीके का था, सल्फास था या क्या था, इसके बारे में? इसके केमिकल नेचर पर अभी हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसने ये बताया है कि गेहूं की बुआई के समय इस्तेमाल होने वाला घर पर उपलब्ध कीटनाशक का पैकेट उसने इस्तेमाल किया है। वो मारना सिर्फ एक लड़की को चाहता था और जी दो हाँ, लड़कियों ने पिया है। जी हाँ, मारना वो एक के लिए गया था, इसीलिए उसने दो बोतल पानी रखा था, एक बाकी के लिए, एक उस लड़की के लिए। लेकिन जब इन दोनों लड़कियों ने अपनी बहन के हाथ से छीन कर पानी पीना चालू किया, इसने रोकने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो ये नहीं बता पाया, जाहिरा तौर पर ये नहीं बता पाया कि पानी में कुछ मिला है। तो एफआईआर में लिखा गया है कि उनके गले के आसपास दुपट्टा बंधा हुआ था, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं? इसने इसके कन्फेशन के मुताबिक इसने कुछ भी हाथ पैर नहीं बांधा था। लड़कियां जब बेहोश होकर गिर गईं, उनके मुंह से झाग आने लगा, तो इसने उठा के उनको उनके लाही के खेत में मेड़ मेड़ होके डाल दिया और वहां से दोनों भाग गए। इन्हीं दोनों को भागते हुए हमारे मुखबिर के द्वारा देखा गया था। परिवार वालों का आरोप था कि इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसी दुपट्टे से बंधे हुए थे और उन लोगों ने खोला उसे। हाँ। नहीं कोई ऐसा एक परिवार के एक सदस्य द्वारा दिया गया था। परिवार के उस सदस्य द्वारा मौके पर पहुंचकर सबसे पहले पहुंचकर बच्चियों को नहीं देखा गया था। जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे उनके पीछे एक बच्ची की मां भी पहुंची थी। उस बच्ची का मां का स्टेटमेंट कल आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का लाइगेचर मार्क या किसी भी प्रकार की एंटीमार्टम इंजरी नहीं आई है। आरोपी द्वारा अपने कन्फेशन में इस बात को नकारा गया है। इस बात से उससे कड़ाई से पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसके द्वारा नकारा गया है। चूंकि उनके दोस्ताना संबंध थे, वो रोज बैठ के कुछ खाते पीते थे, गपशप करते थे, इसी विश्वास में बच्चियों ने उसका दिया हुआ नमकीन खाया, उसका दिया हुआ पानी पिया, और वो बात करते जब पानी पीते ही वो गिर गए और उनके मुंह से झाग आना शुरू हुआ, तब ये पैनिक में उठ के भागा है। मैम, क्या इसमें और भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना है? अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन दो लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और दो को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। तो जो बातें इस लड़के ने बताई हैं विनय नाम, क्या उसका कोरोबरेटिव एविडेंस जो है वो उससे मैच कर रहा है कि जो ये कह रहा है वही सच है? कोरोबरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फोरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौकाए वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहां पर, तीनों लड़कियों के पास, और इनकी कंटिन्यूअस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया था। और लड़की की कास्ट क्या है मैम? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। दूसरा वाला साथी रावत जाति से है। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। उन्नाव कांड में यूपी पुलिस का बड़ा खुलासा, पूरे मामले की तफ्तीश करके ये कहा है पुलिस ने कि दरअसल आरोपी विनय ने जुर्म कबूल कर लिया है और मुखबिर की सूचना के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक नाबालिग लड़का है और दूसरा मुख्य आरोपी विनय है जिसने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी की एक लड़की से दोस्ती थी, वो उससे प्यार करता था, एक तरफा प्रेम संबंध में जब इनकार कर दिया लड़की ने, तो उसके बाद बकायदा गेहूं के खेत